Hey guys, welcome back to the channel. This is your friend Vishu from Cycle Rider Roy, and in this video I will show you how easily you can service your ball bearing hubs, phir chahe wo Shimano ke ho ya kisi different brands ke ho, disc brake wale ho ya without disc brake wale ho. आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप कितनी इजीली खुद ही अपने घर में बड़े आराम से अपने हब्स को सर्विस कर सकते हो। नाउ फॉर द फर्स्ट स्टेप, अगर आपके बाइक में इस तरीके का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, फिर चाहे वो 6 बोल्ट वाला हो या इस तरीके के सेंट्रल लॉक एडिशन में हो, आप मेक श्योर करें कि आप अपने इस डिस्क ब्रेक को रिमूव कर लो, बिकॉज इससे जो हमारा काम है वो बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज यहाँ से जो एक्सल है उसको निकालने में हमको काफ़ी ईजी होता है। एंड दूसरी तरफ जो हमारे यहाँ पर ये लॉक लगा हुआ है हमारे एक्सल में, इसको हम रिमूव करके बहुत ईजिली अपने एक्सल को निकाल सकते हैं, एंड जो अंदर बॉल बेयरिंग है उसको हम सर्विस कर सकते हैं एंड रीग्रीस कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो आई एम गोना यूज़ दिस कैसेट टूल। ये आपको बहुत इजीली ऑनलाइन या मार्केट पे मिल जाएगा, क्योंकि मेरा जो डिस्क ब्रेक है यहाँ पे, इसमें ये कैसेट टूल लगता है जिससे मैं इस लॉक रिंग को खोलूंगा। अगर आपके पास 6 बोल्ट है तो आप एलन की या हेक्स की का यूज़ करके उन बोल्ट्स को ओपन कर सकते हो। सो इस कैसेट टूल की हेल्प से आई एम गोना रिमूव द डिस्क रोटर फर्स्ट, देयर वी गो, एंड देन वी विल बी यूजिंग दिस एडजस्टेबल रेंच ताकि इस कैसेट टूल को हम होल्ड कर सकें। इसको रिमूव कर लो, 1, 2, 3, देयर वी गो। नाउ एक बार जब ये लूज़ हो जाए, रिमूव योर लॉक रिंग लाइक दिस। ये हमारा लॉक रिंग निकल चुका है। हियर इज द कैसेट टूल, एंड देन रिमूव द डिस्क रोटर। देयर वी गो, डिस्क रोटर रिमूव्ड। नाउ नेक्स्ट स्टेप के लिए हमको इस तरीके के एक रेंच की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आप मार्केट से खरीद सकते हो, ये भी आपको ईजिली मिल जाएगा। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू दी ऑनलाइन लिंक्स एज वेल, बिकॉज ये जो रेंच होते हैं ये आपके हब्स के लॉक रिंग को कुछ इस तरीके से पूरी तरीके से होल्ड कर लेते हैं। एज यू कैन सी, ये जनरली थोड़े से पतले होते हैं, सो ये बहुत ईजिली आपके हब्स के लॉक रिंग को कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं, एंड देन इस तरीके के एडजस्टेबल रेंच की हेल्प से हम बाहर वाले लॉक रिंग को निकाल लेंगे। मगर वन इंपॉर्टेंट टिप, इससे पहले कि आप इस लॉक रिंग को निकालो, मेक श्योर कि यहाँ पे जो ये ग्रूव्स हैं ना, जो ये थ्रेड्स हैं, इसको आप काउंट कर लो कि कितने थ्रेड्स के बाद ये लॉक रिंग वहाँ पे लॉक है, ताकि जब आप इसको दोबारा रीइंस्टॉल करोगे तो आपका जो ये नट होगा ये बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होगा, जिससे आपका हब बिल्कुल पहले की तरह टाइट हो जाएगा। नाउ एक बार जब ये लूज़ हो जाए, आप इसको कुछ इस तरीके से खोल लो। एज यू कैन सी गाइज, आउटर लॉक रिंग को मैंने निकाल दिया है, एंड अब इनर लॉक रिंग को भी हम निकाल लेते हैं। आप दूसरी तरफ से इसको पकड़ के आप इनर लॉक रिंग को भी कुछ इस तरीके से निकाल लो। नाउ केयरफुली, नाउ एक एक करके मैं बेयरिंग बॉल्स को पूरा रिमूव कर लूंगा इसमें से। सिमिलरली, वन बाय वन आप बेयरिंग्स को स्लोली निकाल लो। इट्स नॉट वेरी हार्ड, काफ़ी ईजी है इन बेयरिंग्स को निकालना। हो सकता है इनिशियली थोड़ा सा टाइम लगे, बट बहुत ईजीली ये निकल आते हैं। सो आई एम यूजिंग लूप वाइप क्विक ड्राई डीग्रीजर। ये हब्स एंड हेडसेट के बेयरिंग्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है, एंड मेक श्योर करता है कि कोई भी ओल्ड ग्रीस उसमें ना रहे। सो नाउ आई एम गोना यूज़ दिस डीग्रीजर एंड इन बेयरिंग बॉल्स को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगा। लेट्स डू दैट। तो एज यू कैन सी गाइज, मैंने इसके अंदर जो डीग्रीजर है उसको कर दिया है पूरा स्प्रे, एंड अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा ऐसे ही, ताकि ये जो बेयरिंग्स है इसको पूरी तरीके से क्लीन करने में हेल्प करे। ये ऑलरेडी क्लीन होना शुरू हो गए हैं, जो ओल्ड ग्रीस है देखो वो उसमें से निकल रहा है, एंड बेयरिंग्स हमारा क्लीन होना शुरू हो गया है। सो जब तक हमारे बेयरिंग्स क्लीन हो रहे हैं, तब तक मैं अपने हब्स को भी पूरी तरीके से क्लीन कर लेता हूँ। सेम डीग्रीजर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर स्प्रे करके, मैं इस ओल्ड क्लोथ की हेल्प से मैं इसके ओल्ड ग्रीस को करूँगा पूरा क्लीन। राइट, सो यू कैन सी वन साइड हमारा हो चुका है क्लीन। नाउ लेट्स रिपीट ऑन दी अदर। सो नाउ आई एम गोना क्लीन दीज बेयरिंग्स।
सो इसको केयरफुली क्लीन कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर गिर के ना खो जाए, बिकॉज़ अगर ये खो गई तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। सो बॉल बेयरिंग्स हमारी पूरी तरीके से क्लीन हो चुकी है, अब इसको दोबारा हम लगा देते हैं इसके हब्स में। नाउ सिंस इट्स अ फ्रंट हब तो इसमें जनरली 20 बेयरिंग्स रहते हैं बिकॉज ये छोटे हैं 316, तो आपको इसमें वन साइड 10 एंड अनदर साइड 10 यूज़ करना होता है। नाउ इट इज़ रिकमेंडेड दैट व्हेन यू सर्विस योर हब्स आप इन ओल्ड बेयरिंग्स को यूज़ मत करो, आप न्यू बेयरिंग्स को यूज़ करो। इन केस इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड न्यू बेयरिंग्स देन आप अपने ओल्ड बेयरिंग्स को फॉर द टाइम बिंग यूज़ कर लो जब तक आप न्यू बेयरिंग्स को ना फाइंड कर पाओ। बट आई रिकमेंड कि आप अपने ओल्ड बेयरिंग्स को चेंज करके न्यू बेयरिंग्स ही इंस्टॉल करो इसमें, उससे आपका जो कोन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। नाउ मैं यूज़ कर रहा हूँ ये लूप लूप का परफॉर्मेंस ग्रीस, ये बेयरिंग के लिए स्पेसिफिक बनाया गया है बिकॉज जो बेयरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लोड लेते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रोटेशन उनमें होता है, सो एक अच्छा ग्रीस काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है। सो इन केस यू वॉन्ट टू बाई इट, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हो। सो चलो इसको फटाफट ग्रीस करते हैं स्लोली बाय थोड़ा थोड़ा करके कुछ इस तरीके से। नाइस nice. नाउ इस तरीके के स्मॉल होल्स में अच्छे तरीके से ग्रीसिंग करके प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। नाउ वन साइड डन, लेट्स रिपीट ऑन द अदर साइड। नाउ एक एक करके अब इन बेयरिंग्स को हम इसके अंदर दोबारा लगा देते हैं। 1 2 3 एंड हेयर इज़ द बेयरिंग नंबर 10। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीस यूज़ किया है, इट्स अप टू यू हाउ मच ग्रीस यू वॉन्ट टू यूज़। यू कैन यूज़ ईदर अ लिटिल बिट या जितना रिकमेंडेड है आप उतना भी यूज़ कर सकते हो, या चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ करते हो, इट्स अप टू यू। नाउ रिपीटिंग द सेम, 1 by 1 पूरे बेयरिंग्स को दोबारा इसके पोजिशन में रख देता हूँ। नाउ केयरफुली इस एक्सल को वापस इसमें इंस्टॉल करते हैं। मेक श्योर जब आप ऐसा करें दूसरे साइड से बेयरिंग्स की जो बॉल्स हैं वो ना गिर जाए, सो डू इट केयरफुली। नाउ एक बार जब आपने कोन नट को पूरी तरीके से अंदर इंस्टॉल कर लिया है, आप इस एक्सल को पकड़ के थोड़ा लेफ्ट राइट पुश करके देखो कि ये लेफ्ट राइट पुश हो रहा है या नहीं। अगर ये लेफ्ट राइट पुश होता है दैट मीन्स आपका कोन नट थोड़ा सा और टाइट होगा, उसको आप हल्का सा और टाइट कर लो अनटिल द मूवमेंट इज स्टॉप्ड। बहुत ज़्यादा टाइट मत करना वरना व्हील घूमने में दिक्कत होगी। कीप इट फ्री बट ऑल्सो मेक श्योर कि ये लेफ्ट राइट मूव ना हो आपका एक्सल। नाउ इट्स परफेक्टली फिट, अब मैं सामने के लॉक नट को लगा देता हूँ। और जिस तरीके से हमने इसे बाहर निकाला था सेम स्टेप को फॉलो करके हम इसे अंदर की तरफ करेंगे मूव। देन वी गोना बी यूजिंग द कोन रेंच एंड हमारे इसकी हेल्प से इसको मैं कर दूंगा टाइट। 1 2 3 एक बार इसको रोल करके चेक कर लेते हैं। Here we go. As you can see, काफ़ी smoothly ये roll हो रहा है and I can feel vibrations भी पहले से थोड़े से less हैं and जो wheel है वो काफ़ी easily rotate कर रहा है। सो गाइज यू जस्ट सो हाउ ईजी इट इज़ टू सर्विस योर ओन बाइसाइकिल हब्स। आप बहुत ईजिली अपने बाइसाइकिल के हब को सर्विस कर सकते हो एंड अगर चाहते हो उसके न्यू बेयरिंग्स को इंस्टॉल करना तो आप पुराने बेयरिंग्स को रिमूव करके न्यू बेयरिंग्स को भी बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो। इनकेस अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को दूर करने के लिए। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग बाइक रिलेटेड मेंटेनेंस वीडियोज। एंड मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @cycleriderroy यहाँ पे स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो गाइस, टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।